ले बोल आलो यहू बाहुनो ले कूल बोइले बेबू ते बोजार मालो तो बे काकियाले घासा बोइले बेबू ते बोजाई बोले भे मालो तोड़ो ना बोले भेरो मालो तोड़ो ना बोले भेरो पहले बेमू दे बोदार मालो तो बे काटियाले घासा पहले बेमू दे बोदार मालो तो बे काटियाले घासा पहले बेमू दे बोदार सादर प्रणाम नमस्कार। मैं आभार प्रकट करना चाहूँ माननीय हमर ठुल दादी सौरभ बहुगुणा जी आपू स्वागत अभिनंदन हमर मैम बीना भट्ट जी आपू बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं तो खाल मेल घूमना लीजिए आ रही तुमको पता नहीं जी कि यश ने माहौल है जा पर आप सब फरमाइश पे दी लाइन आप सब उनको सुनो और उम्मीद करो कि आप सब उनको पसंद आए। He
रही हो कौन रही छोरी लची माँ सुरा सुरा हाँ चली साड़ी समाना मत बहुत भल लागल कि आप सब अगर ताई बच्चे में मैं साथ दिला और यो ही बुला लेती छोरी लची माँ सुरा सुरा हाँ चली साड़ी बहन माया ने नंद कुमार उप्रीति की ये पंक्तियां साकार कर दी कि भूली नहीं जानो अपन देश भूली नहीं जानी अपन थात सब कुछ देर के लिए पहाड़ों का की ओर विचरण करने लगे थे। आइए अब हम माननीय मंत्री पशुपालन मत्स्य पालन कौशल विकास रोजगार जाऊ है गो डन कना बैसुस ओ बाज मुरली हे भुर भुरू जाऊ है गो हे भुर भुरू जाऊ है गो डन कना बैसुस बाज मुरली कना बैसुर सुर बाज मुरली तुर तुर भुर भुरू उजाऊ है गो हे भुर भुरू उजाऊ है गो डान कना बैसुर सुर बाज मुरली तुर तुर डान कना बैसुर सुर बाज मुरली तुर तुर भुर भुरू उजाऊ है गो शिव कैलासा देव देवता ही वाली काटा हो जागण फेगे शिव कैलासा देव देवता ही वाली काटा हो ओ शिव को डमरू बाजो मेरी ही वाला डम डम घानी बाजी रे टंग टंग मेरी ही वाला डम डम घानी बाजी रे टंग टंग भुर भुरू जाऊ है गो हे भुर भुरू जाऊ है गो डन कना बैसुर सुर बाज मुरली तुर तुर डन कना बैसुर सुर बाज मुरली तुर तुर भुर भुरू जाऊ है गो हे गोपनी मखजे
अरी मटु करी। अरे अजगर करे न नौकरी चाकरी पंछी करे न कामा अरियो पहाड़ू माहो पड़ो भागुली भाबरुमा घाम सब भाई बंधु कणी मेरी रमो राम जब गोरखे चली भागुली ये गोरखे चली भागुली ओशिया बनाती धारू ये गोरखे चली भागुली ओशिया बनाती धारू अरे रावण की लंका मजी हनुमंता बीरा अरे रावण की बोली चली राम जी का तीरा वो जित घड़ी तुनी ओनी अरे जित घड़ी तुनी ओनी पगुर के चली भागुली ये गुर के चली भागुली ओशिया बना है जतो अधीरा ये गुर के चली भागुली ओशिया बना है जतो अधीरा पधानु लोडा गोपाला गोपाला लोडा तीले धारू गुना ये गुर के चली भागुली ओशिया बना तीले धारू खजली मटुकली अरे हलिया हल बोए छम छम बोए धाना अरे बलि खनी चूहा पंछी फिर खाए किसाना अरे मुनवले तू नाना को छे अरे मुनवले तू नाना को छे पगुर के चली भागुली ये गुर के चली भागुली ओशिया बना सुने तेरी साना ये गुर के चली भागुली ओशिया बना आंखों ने तेरी साना पादा तो लोटा गोपाला गोपाला लोटा पीले धारू गोना पादा तो लोटा गोपाला गोपाला लोटा पीले धारू खजरी मटुकली अर हल्द्वानी का तला टुकान पली को डरा अर हित पे दगड़ घूमी ओला कुछ तेरो मेरा वो हित पे दगड़ घूमी ओला कुछ तेरो मेरा अर बगुर के चली भागुली ए गुर के चली भागुली ओशिया बना नैनी तालेश्वरा ए गुर के चली भागुली ओशिया बना नैनी तालेश्वरा पदा तो लोटा गोपाला गोपाला लोटा पीले धारू गोला ए गुर के चली भागुली ओशिया बना तीले धारू गोला ए गुर के चली भागुली ओशिया बना तीले धारू गोला पदा तो लोटा गोपाला गोपाला लोटा तीले धारू गोला गोपाला लोटा तीले धारू गोला गोपाला लोटा तीले धारू गोला।
और ये Do you
प्रथम सत्र की अंतिम प्रस्तुति होगी जौनसारी लोक नृत्य हारोड़। उसके बाद मंच व्यवस्था के लिए हम मंच दूसरी टीम को देंगे। अपने परंपरागत वस्त्रों में स्त्रियां घाघरा और पुरुष सदरी पहनते हैं, सिर पर ढाटू अर्थात तालकोड़ी धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। स्त्रियां नाक में नाक बुला और गले में ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति तेमणियां पहनते हैं, महासुदेवता की वंदना होती है। पति को नागी राजा तुम्हारी जय विजय हो, अनोली के चार मासुमारा बोलाई है केरी बोलाई।
प्रारंभ होता है छोलिया नृत्य। जनार्दन का अभिवादन किया हमारे छोलिया नर्तकों ने। एक मार्शल आर्ट की तरह इस नृत्य को गांव-गांव में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम छोलिया नर्तकों को अब ग्रीन रूम की ओर विदा करते हैं। बहुत सुंदर। और छोलिया नृत्य के तुरंत बाद हमारी अगली प्रस्तुति छबेली नृत्य है। इसके बाद उत्तराखंड का द मोस्ट वाइब्रेंट डांस ऑफ उत्तराखंड छपेली आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। छपेली के वादक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और इन कलाकारों को हम हृदय से साधुवाद देते हैं कि हमारी प्राचीन परंपरा को अविरल
बैठ जाएंगे जनता जनार्दन की ओर चेहरा करके, और सभी दलों के आगे आइएगा और आगे आइए, सभी दलों के कलाकार एक साथ मंच पर आ जाएं और माननीय के साथ एक सामूहिक फोटोग्राफ सभी कलाकारों के मंशा थी। मैं अनुरोध करूंगा श्री मैठाणी जी, श्री विजय भंडारी जी से कि इनको सुसज्जित तरीके से बैठा दें ताकि प्रत्येक का चेहरा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ इनके स्मृतियों में फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमेशा इन्हें मिलता रहे। बैठ जाओ भाई। माना जाता है कि एक चंद राजा ने सुई राज्य की कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। सुई राज्य के राजा की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज प्रगति मैदान नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तराखंड दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य एवं उत्तराखंड राज्य के प्रवासी लोगों के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत हर्ष और उल्लास महसूस कर रहा हूँ। देश विदेश तथा राज्य के लोगों, विशेषकर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को अपने राज्य की प्रगति जोड़ाव एवं राज्य की प्रगति में सहभागिता राज्य के लिए सर्वप्रिय है। IITF में हमें एक दूसरे से मिलने एवं राज्य की प्रगति को देखने का अवसर मिलता है। इस व्यापार मेले उत्तराखंड के लोगों को जीवन सहभागिता का एक अदृश्य उदाहरण है। मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने अपनी जीवन शैली और जीवंतता देते हुए अपने कार्य एवं अनुभव से देश एवं विदेश में राज्य को गौरवान्वित किया है। मैं आज उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पर प्रवासी भाई बहन बैठे हैं, उत्तराखंड के हमारे लोग बैठे हैं, मैं उन सबको उत्तराखंड दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए लक्ष्य रखा है, उन्होंने हर मंच पर एक बात कही है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, उसको साकार करने के लिए हम सब अपना योगदान दें, हम सब मिल के काम करें और उत्तराखंड की जो प्रतिभा है, उत्तराखंड के जो सामर्थ्य है, उसको देश और विदेश के सामने, पूरे विश्व के सामने लाने में हम सब एकत्रित होकर काम करें। इस प्रण के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात करी, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की बात करी। आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पहली बार उत्तराखंड में IITF के इस मेले में आया हूँ, उत्तराखंड के काउंटर में पहली बार जाने का सौभाग्य मिला और जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति ने, जिस तरीके से हमारे युवा साथियों ने, जिस तरीके से SHG की महिलाओं ने, जिस तरीके से दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने आज यहाँ पर अपना एक काउंटर लगा के उत्तराखंड के सामर्थ्य को दर्शाया है, उत्तराखंड की प्रतिभा को दर्शाया है, उत्तराखंड के मटेरियल, उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को दर्शाया है, कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का दशक होगा वो यही लोग साकार करेंगे, हम साकार करेंगे, हम सब मिलकर एक दूसरे का योगदान करेंगे। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले 2.25 साल की सरकार में हमने जो नीतियाँ बनाई हैं, उनके नेतृत्व में हमने जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को, जिस तरीके से उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मातृशक्ति को रोजगार से जोड़ने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं, उससे उसका फायदा आज धरातल पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति, जिस तरीके से हमारे युवा साथी उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जो इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज का वो फायदा उठा रहे हैं, जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज लाई जा रही हैं, जो हमारे पर्यटन नीति है, जो हमारी स्वरोजगार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति है, जो हमारी रोजगार सृजन करने के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड को देखने को मिल रहा है। मैं आप सबसे भी एक निवेदन करने आया हूँ कि आप सब लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उत्तराखंड के जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप लोग उत्तराखंड के बाहर रह के भी उत्तराखंड का जो नाम रोशन करते हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। चारधाम यात्रा, आप सब ने, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में गए होंगे। जिस तरीके से इस बार चारधाम यात्रा में हमने रिकॉर्ड यात्री आने का हमारे स्टेट में काम हुआ है, 50 लाख से ऊपर यात्री इस बार चारधाम यात्रा में आके हमारे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन करके गए हैं। ये एक रिकॉर्ड इसीलिए स्थापित हो पाया है कि उत्तराखंड के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।
पहले आपको पता था कि पहले लोग कहते थे कि आपदा प्रभावित क्षेत्र है, एक समय ऐसा भी था जब बहुत कम लोग हमारे क्षेत्र में, एकदम हमारी यात्रा गिर गई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बाबा केदार को, केदारनाथ धाम को एक भव्यता देने का जो काम किया है, एक लोगों के मन में प्रति जो विश्वास जगाने का काम किया है कि उत्तराखंड सेफ है, उत्तराखंड आइए और बाबा केदार और हमारे बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम जी के आप लोग दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसी का नतीजा है जो पॉलिसीज हमने बनाई, जो हमने व्यवस्थाएं नीचे खड़ी करी सरकार के रूप में, कि 50 लाख से ज्यादा यात्री आज इस यात्रा में आ चुके हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग और आप सबके समर्थन के साथ ये यात्रा और भव्य बन के आगे रूप में आएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से उनका प्रेम और स्नेह उत्तराखंड को मिलता है, जिस तरीके से उनका सानिध्य उत्तराखंड को मिलता है, मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना सानिध्य उत्तराखंड को देते हुए नहीं देखा जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हुए देखा है। आज आप देखिए कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो हमारे दुर्गस्त और दुर्गम गांव गुंजी तक पहुंचा हो, जिसने आदि कैलाश यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रण लिया हो। और अभी पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री जी आए थे और जिस तरीके से उन्होंने बोला मन से कि आज पूरी दुनिया ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आदि कैलाश यात्रा करते हुए देख लिया, अब अगली भव्य यात्रा आदि कैलाश की होगी, कुमाऊं में होगी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए मैं रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहूंगा। एक समय था जब हमारे दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में रोड तक नहीं पहुंच पाती थी, आज प्रधानमंत्री जी की और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से हम ऑल वेदर रोड से हमारे चारों धामों को जोड़ पाए हैं। हमने रेल नेटवर्क का जो वहाँ पर काम शुरू किया है, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन है, जो लगभग 60% कंप्लीशन हो चुकी है, इसकी वजह से हमारे जो दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्याएं पलायन और रोजगार को लेकर होती थी, कहीं ना कहीं उस पर हम वार कर पाए हैं। अब जब लोगों तक डेवलपमेंट पहुँचेगा तो लोग अपने गाँव में रह के हॉर्टिकल्चर के द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा, हमारे मिलेट्स का आपको मालूम है कितना बड़ा काम होता है उत्तराखंड में, कितना अच्छा हमारा मिलेट्स का प्रोडक्ट है, उसको लेके जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पलायन की समस्या है उससे हमको बहुत छुटकारा मिलने की उम्मीद है। निवेश पॉलिसी, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने एक अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना के धरातल में, जो हमारे निवेश आ सके, हमारे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके, हमारे उत्तराखंड के मातृशक्ति को सशक्त कर सकें, इसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है, काफ़ी पॉलिसीज हमने धरातल में उतारी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम 8 और 9 नवंबर को हम उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल समिट करने जा रहे हैं, उसके पहले ही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमको 1,35,000 करोड़ के MOU साइन कर चुके हैं, और जिसमें से लगभग 30,000 करोड़ की हम ग्राउंडिंग उत्तराखंड में कर चुके हैं। जब ये निवेश उत्तराखंड में आएगा तो उत्तराखंड की जो स्थिति है और जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बदलेंगी, हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, हमारे युवाओं को उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार मिलेगा। तो मैं उसके लिए समस्त हमारे इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के लोगों को, हमारे अधिकारियों को और इंडस्ट्रीज़ के लोग, जो इंडस्ट्रीज इन्होंने हमसे MOU किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उत्तराखंड का जो हमारे मिलेट्स हैं, हमारे उत्तराखंड के जो वुड वर्क है, क्राफ्ट वर्क है, इनको GI टैग्स दिलाने में जो उत्तराखंड के अधिकारियों ने अपना सहयोग दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 9 ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जिनको हमने GI टैग्स दिलवाने में सक्सेसफुल हमने पाया है। इसकी वजह से उत्तराखंड के GI टैग्स पाने के बाद हम उसको विश्व में कहीं पर भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड राज्य के पवेलियन विभिन्न क्षेत्रों के उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के अफसरों को, हितधारकों को अपने निर्णय लेने का सहायता प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रगति मैदान नई दिल्ली के इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले राज्य के प्रवासियों, उद्योग जगत तथा निवेशकों के साथ संवाद के लिए एक प्रभावी मंच भी होगा। मैं उत्तराखंड की सरकार की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सदैव आपके सहयोगी की भूमिका में आपके साथ हैं और मिलकर आपके साथ आदर्श उत्तराखंड राज्य के निर्माण का परिकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि अपना ये विश्वास, अपना ये साथ, अपना ये सहयोग, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रदेश में बना के रखिएगा। उत्तराखंड प्रगति के रास्ते पे है, उत्तराखंड विकास के रास्ते पे है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम सब एक साथ मिलके प्रधानमंत्री जी के सपनों का उत्तराखंड, एक सशक्त उत्तराखंड, एक विकासशील उत्तराखंड बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं, प्रेस के बंधु बीना जी यहाँ पर बैठी हैं, अजय मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मृत्युंजय मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं, मृत्युंजय सिंह जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही
चौथी बार हम इस महीने मिले हैं, मुझे लगता है कि मैं और माया उपाध्याय जी जो है, जो हमारी लोक गायिका है, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उन्होंने जाके रोशन किया है। और चौथी बार हम दोनों एक प्रोग्राम में एक साथ हैं इस महीने। मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रेस के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करूँगा सब साथ चलेंगे, उत्तराखंड को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।